हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमरा हेज। तो आज हम करने वाले हैं स्टेप कट भी आज हम नए तरीके से करेंगे, कुछ आपको अच्छा लगेगा देख के। कट करने से पहले हम सबसे पहले मेन मोटिव क्या होता है हमारा, गाइडलाइन इस सेक्शन में लेके काटेंगे हम, एक शेप बन जाए बालों के अंदर। हम सबसे पहले बालों के अंदर शेप बनाएंगे, गाइडलाइन हमने ले ली है। अब हम साइड के बाल लेंगे, अच्छे से कॉम करके नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे उसको। सेक्शन जिस डिग्री पे हमने गाइडलाइन ली है उसी डिग्री पे हम दूसरा सेक्शन लेके उसको शेप देंगे। शेप हम हल्की सी यू में देने वाले हैं क्योंकि हमें इसके अंदर स्टेप डालने हैं। स्टेप डालने के बाद शेप पूरी यू में विजिबल हो, ऐसे ही हम दोनों तरफ से कर लेंगे। I won't percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your business, yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit, took it to a place that never thought he could. Now that हमने पूरी शेप यू में दे दी है, अब हम इसके अंदर स्टेप डालने वाले हैं। स्टेप डालने से पहले हम थोड़े से बालों को और ज़्यादा वेट कर लेंगे जो कि हमारा सेक्शन नीटली निकले और हमारे सेक्शन में हमें दिक्कत ना हो कट करने में। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि हमको एक अलग स्टेप देने हैं, अंदर थोड़ा सा बाउंसी लुक देना है, इसलिए हम इसका सेक्शन दो में डिवाइड कर देंगे। इसके जो हमने सेक्शन लिया है इसके अंदर हम दो कट करेंगे, एक हमने नीचे की तरफ लाके 0 डिग्री से ऊपर हमने कट किया और देन दूसरा स्टेप हम इससे ऊपर देंगे। ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा सा कट हुआ है। अब ऐसे ही सेम हम साइड में लेंगे, इसमें भी हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे सेक्शन, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। सेम जैसे ही हमने इसको कट किया था ऐसे ही इसको कट करेंगे, देन हम लेफ्ट वाले को कट करेंगे सेम ऐसे ही दो पार्ट में। नीचे वाला हम कट कर चुके हैं, अब हमें ऊपर के लिए मेन सबसे नीचे गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। और गाइडलाइन हम जो हमने नीचे कट करके छोड़ा था उसी कट में से ये देखिए आप गाइडलाइन लेंगे क्योंकि हमें इसके इक्वल ही कट करना है, स्टेप इसके साथ साथ ही देने, अलग अनइवन स्टेप नहीं देने। अब हम इसको अच्छे से हम यू शेप में हमने नीचे वाला कट कर दिया है आपने देखा, ऐसे ही हम सेम ऊपर वाले को कट करेंगे।
गाइडलाइन को छोड़ना नहीं है, गाइडलाइन को पकड़ के रखना है, क्योंकि यही मेन गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा कट होता है। देन अब इसको हम छोड़ देंगे। अब इसके साथ ही हम साइड जो भी हमने कट किया था उसमें से गाइडलाइन लेंगे। Fight for my attention, for your attention, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie. Same ऐसे ही इसमें कट करेंगे, then राइट हैंड वाले सेक्शन को कट करेंगे। सेम कट करना है, कट में कोई भी अनइवन नहीं करना, गाइडलाइन को नहीं छोड़ना, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कट करना है हमें। ये बैक के सारे स्टेप डल चुके हैं, आप देख रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं, स्टेप सारे विजिबल हो रहे हैं। अभी तो हमने बिल्कुल भी ड्रायर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, नॉर्मल कट में ही पूरा कट विजिबल हो रहा है। ऐसे ही हम आगे का सेक्शन को कट करने के लिए पीछे से गाइडलाइन लेंगे, क्योंकि हमने सारे सेक्शन को अभी पीछे से ही कट किया है। देन आगे वाले सेक्शन को इससे मर्ज करने के लिए हम बैक से गाइडलाइन लेंगे, और इस गाइडलाइन की अब हमें नई गाइडलाइन बनानी है। उस गाइडलाइन के साथ ही हम अब नई गाइडलाइन क्रिएट करेंगे फ्रंट के लिए। फ्रंट के लिए अब हमने ये गाइडलाइन ले ली है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम पूरा कट करेंगे फ्रंट का। बैक का हम स्टेप डाल चुके हैं, बैक में अब हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर स्टेप डालेंगे। जैसे स्टेप हमने यहाँ पे डाले हैं, ऐसे सेम स्टेप हम राइट हैंड पे डालेंगे। यहाँ भी हम सेम स्टेप डाल चुके हैं, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है, पूरा कट एकदम मर्ज है, कहीं से भी अनइवन नहीं है। अब फ्रंट के मैम को फ्लिक्स चाहिए, अब फ्लिक्स के लिए हम पहले क्लाइंट से पूछेंगे कि कितना उनको शॉर्ट चाहिए बाल, फ्रंट से फ्लिक्स के लिए, लेयर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे।
जिस डायरेक्शन में वो रखते हैं मोस्टली उस डायरेक्शन में रख के आप कट करेंगे तो आपको अच्छे से कट विजिबल होगा और क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वो क्लाइंट उस तरफ का ही पार्टीशन रखते हैं, सेक्शन रखते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कट। और जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही कट में और भी आपके लिए लाता रहूँगा। देन कमेंट ज़रूर किया करें आप कि आपको कैसा लगा कट, कट में क्या आपको डिफरेंट लगा, क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा आपको, कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम कट करने के बाद नॉर्मली बालों को सुखा देंगे। ये जब क्लाइंट को जल्दी होती है ना, जब क्लाइंट को जाना होता है कहीं या क्लाइंट का बालों में हीट लेने का मन नहीं होता, आप कितना भी प्रोसेस कर लो कि हीट प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, मूव लगा लेते हैं, जब क्लाइंट को जल्दी होती है क्लाइंट किसी की नहीं सुनता। देन उसके लिए हमारे पास सबसे मेन ट्रिक यही है विदाउट ड्रायर पूरा कट विजिबल करने के लिए। आप पूरे सेक्शन को अच्छे से कॉम करके सारे बालों को इकट्ठा करके अपने हाथ में एक ग्रिप बना लें और बालों को अच्छे से चारों तरफ फैला लें और उसके बाद उस पर ड्रायर कर दें। ड्रायर भी इक्वली हो, पहले नीचे से फिर ऊपर फिर ऊपर, बाल पहले 100% ड्राई हो, देन उसके बाद ही ये वाला ड्रायर वर्क करता है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है।